यस गाइस, वापस एक बार वक्त आ चुका है सीक्रेट घर बनाने का। तो कल ही मैं पुरानी वीडियोस देख रहा था और मैं देख रहा था कि मेरे कौन सी वीडियो को सबसे ज्यादा व्यूज है और ये मैंने क्या देखा, 1 करोड़ व्यूज। हमारी एक वीडियो को 1 करोड़ व्यूज है, वो भी सीक्रेट घर वाली वीडियो को। तो ये देख के मेरे मन में एक आइडिया आया कि आज हम लोग माइनक्राफ्ट में एक और बार सीक्रेट हाउस बनाते हैं। क्या पता इस बार मुझे आ जाए 10 करोड़ व्यूज। 10 करोड़ व्यूज देख के अमिताभ बच्चन भी बोलेंगे अद्भुत अविस्मरणीय अद्वितीय। तो आज हम लोग माइनक्राफ्ट के अंदर एक सीक्रेट हाउस बनाने वाले हैं और उसके अंदर हम लोग एक सीक्रेट रूम बनाने वाले हैं। सीक्रेट के अंदर दूसरा सीक्रेट। वाओ, क्या तुम लोगों को एक और सीक्रेट जानना है? नहीं। क्या तुम्हें मालूम है कि मेरा एक डिस्कॉर्ड सर्वर है और उसपे 1,23,609 मेंबर्स है। 1,23,000। दिन भर लोग बस इस सर्वर पे गप्पे मारते रहते हैं। ओ माय गॉड, कितने सारे मैसेजेस। तो सब लोगों के साथ अभी मैं बात करने वाला हूँ, लेकिन अगर तुम लोगों को भी मेरे साथ बात करनी है तो अभी के अभी डिस्क्रिप्शन वाले लिंक पे क्लिक करो, डिस्कॉर्ड का ऐप डाउनलोड करो और फिर मेरा सर्वर ज्वाइन करो प्लीज। कोई नहीं बात करता मुझसे। तो जैसे कि मैं बता रहा था, आज हमें सीक्रेट हाउस बनाने का है। इसके पहले मैंने कुछ 3-4 सीक्रेट हाउसेस बनाए हैं। ये देखो, यहाँ पे एक है, दिख रहा है तुम लोग को? इट इज सीक्रेट। अभी देखो तुम लोग, इधर इधर एक बटन है। आई होप कि ये बटन चल रहा है। दिस नो पॉपट। आवाज आया, दरवाजा खुल गया है दोस्तों, मेरे घर का दरवाजा खुल गया। वाओ, ये देखो हमारे घर का द्वार। तो पहली बार जब मैंने बनाया था ना, मुझे एटलीस्ट 2 घंटे सीखना पड़ा कि ये कैसे बनाते हैं। बट जैसे कि मैंने कहा, वो सीख के अभी 6 महीने हो गए, मैं सब कुछ भूल गया हूँ। मुझे बस मालूम है कि रेडस्टोन यूज करना होता है। अभी भी मेरे घर के अंदर पानी है। तभी मैं कितना बड़ा नूब था ना गाइस, आज देखो मैं कहाँ पे हूँ। आज मेरे पास उल्टी है, डायमंड है, नेदर पोर्टल है, सब कुछ है। कभी अमिताभ बच्चन रास्ते पे मिलेंगे तो बहुत मारेंगे। देखो ये घर के अंदर बहुत पानी है, तो यहाँ पे हम लोग एक सीक्रेट रूम नहीं बना सकते। हमें वापस एक बार पूरा घर बनाना पड़ेगा ताकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाए। बारिश होने लगी, इसलिए मुझे क्रिएटिव मोड बहुत पसंद है। इसमें बारिश का टेंशन ही नहीं, कुछ भी करो इस दुनिया में कुछ फर्क नहीं पड़ता। ओके गाइस, एक अच्छी जगह ढूंढते हैं जहाँ पे हम लोग ये नया घर बना सके। देखो मेरा प्लान क्या है मालूम है, कि घर के अंदर ना मुझे एक सीक्रेट रूम चाहिए जिसके बाहर लाइब्रेरी हो। आपने पिक्चर में वगैरह देखा होगा कि ऐसे लाइब्रेरी का दरवाजा होता है और फिर बंदा बटन दबाता है और फिर खड़खड़। तो मुझे वैसे ही कुछ तो बनाने का है। देखो विचार मेरे बहुत अच्छे है, लेकिन कर पाऊंगा कि नहीं वो मालूम नहीं। पिले जस यही पे है क्या? अभी भी नीचे लावा है, और ये क्यों अपने जिंदगी को दाव पे लगा रहा है? भाई पीछे लावा है, मुझे समझता नहीं है क्या? अगर तू लावा में गिर जाएगा तो क्या होगा? आई थिंक हमें सीक्रेट हाउस यही पे बनाना चाहिए। अंडरग्राउंड बनाए कि माउंटेन के बीच में बनाए? ऑलरेडी हमने सब अंडर वाले घर बना दिए है, अभी बस अंडरवेयर के अंदर घर बनाना। शी, ऐसा कुछ तो चाहिए जो देख के लोगों को समझे ही ना कि यहाँ पे किसी का तो सीक्रेट घर है। ये क्या है, ये किसका घर है? इसके अंदर कोई है क्या? हेलो, कोई नहीं है इसके अंदर। इंटरेस्टिंग, मेरे मन में एक आइडिया आ रहा है कि हम लोग इस घर के अंदर एक घर बना सकते हैं जिसके अंदर एक घर बना सकती है। अगर मैंने यहाँ पे तोड़ा, और नीचे पानी है का? नीचे पानी है, तो पहले नीचे की जगह को पूरा फिल कर देते हैं। ओके, फिर ये घर से दूसरे घर में एंट्रेंस, फिर दूसरे घर से तीसरे घर में एंट्रेंस। Wow! Get ready guys, we are doing this. मैं यहाँ पे वुड से कवर करता हूँ ताकि बाहर से देखने पे किसी को शक ना हो कि नीचे कमरा है। ऐसे ओके, यहाँ से मैंने पूरा बंद किया, यहाँ से घास भर देते हैं, किसी को भी कुछ शक नहीं होगा। ओके नाइस, ये देखो पानी के ऊपर एक घर रेडी है। अभी इसके अंदर एक रास्ता बनाने का है, ऊपर जाने के लिए यहाँ पे स्टेयर्स ऐड कर देते हैं। ऐसे मस्त घर बनाता हूँ ना मैं। अभी अंदर का काम, मुझे यहाँ पे रेडस्टोन का कुछ तो करना पड़ेगा जिससे वुड ऐसे हिले। तो पहले यहाँ पे वुड लगाते हैं, फिर हमें लगेगा एक स्टिकी पिस्टन, यहाँ पे स्टिकी पिस्टन लगाते हैं, फिर वुड को यहाँ पे अभी रेडस्टोन डस्ट लगेगी। एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि चल रहा है क्या। लीवर यहाँ पे लगाया, ओके चल रहा है। अभी इसके ऊपर हम लोग क्राफ्टिंग टेबल रख सकते हैं, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, इसको मैं हाइड कैसे करूँ? आइडिया, हम लोग लीवर को यहाँ से निकाल देते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं। देखो सीक्रेट है। क्यों कोई क्राफ्टिंग टेबल के पीछे जाके लीवर देखेगा? कोई नहीं देखेगा, किसी को लीवर नहीं दिखने वाला। सीक्रेट, इट इज सीक्रेट। देखो ऊपर से लीवर संडास के बाजू में है, अगर आप दूर से देखोगे तो ये फ्लश लगता है, किसी को कुछ शक नहीं होगा। ये सब लोग देख रहे हैं क्या अंदर? मैं कब से यहाँ पे सीक्रेट चीजें बना रहा हूँ, ये देख रहे हैं? ऐसे थोड़ी होता है भाई। क्या ये टोपी पहन के आप मुझे देख रहे हो? निकालो, तू भी इतनी बड़ी टोपी पहन के देख रहा है। ऐसी टोपी पहन के तुम लोग को क्या लगता है, तुम लोग हैंडसम दिखते हो? एक नंबर के चोमू लगते हो, कोई अंदर झोंक के दिखेगा नहीं। चलो अभी नीचे जाते हैं, पानी को हम लोग पहले स्पंज से निकालते हैं, लाइट लगा देता हूँ नीचे। अभी यही होगा मेरा नीचे वाला कमरा, बस यहाँ पे खुदाई करते हैं। आई थिंक कि मेरे आजू बाजू पानी होने वाला है,
तो मुझे वो भी देखना पड़ेगा। ओके, मुझे ज्यादा बड़ा कमरा तो नहीं चाहिए। एक चेस्ट, एक बेड, एक क्राफ्टिंग टेबल, खाना पकाने के लिए फर्नेस, बस। थोड़ा सा लंबा कर सकते हैं हम लोग कमरे को, क्योंकि यहाँ पे जगह एक्चुअली बहुत कम है। थोड़ी सी लंबी रूम अगर मिलेगी ना तो हम लोग बुक शेल्फ को अच्छे से लगा पाएंगे, नहीं तो रूम्स एकदम छोटी बनेंगी। ओके, ये अच्छा दिख रहा है। इतनी रूम बस हो गई। अभी यहाँ पे दो कमरे बनाने हैं, एक होगा लाइब्रेरी का कमरा सीक्रेट वाला और एक नॉर्मल कमरा। देखो, अगर गलती से, मैं ये नहीं बोल रहा कि किसी को दिखेगा, लेकिन अगर गलती से किसी को ये फ्लश दिख गया तो वो नीचे जा पाएगा। तो लेफ्ट साइड को हम लोग नॉर्मल कमरा बनाएंगे और राइट साइड को सीक्रेट कमरा। यहाँ से ऊपर नीचे करने के लिए लैडर लगा देते हैं। लैडर के पीछे हम लोग बुक शेल्फ रख देते हैं ताकि सीक्रेट रूम का दरवाजा बन जाए। आई थिंक सीक्रेट रूम यहाँ से चालू हो सकती है। पहले तो ये पूरा फिल कर देते हैं, इतने सारे किताबें। किसी को डाउट नहीं आएगा, मतलब अगर कोई इंसान बाहर से आया, तुम लोग इंसान के दिमाग को समझो, मतलब अगर कोई इंसान बाहर से आया, पहले तो वो देखेगा एकदम गरीब सा घर है, फिर वो अंदर आएगा। अंदर आने के बाद वो देखेगा कि इस घर में कुछ भी नहीं है, इस घर में बस एक संडास है, ये घर है कि सुलभ शौचालय, ऐसे बोल के वो चला जाएगा। लेकिन अगर मेरे जैसा स्मार्ट इंसान अंदर आया तो वो क्या करेगा? वो ऐसे अंदर आएगा, फिर वो सोचने लगेगा क्राफ्टिंग टेबल घर के बीच में क्यों है। फिर वो क्राफ्टिंग टेबल के पीछे देखेगा, क्राफ्टिंग टेबल के पीछे होगा एक लीवर, लेकिन उसको लगेगा फ्लश है और वो निकल जाएगा। लेकिन अगर उसको जोर की लगी होगी तो क्या? आपने सोचा है? अगर उसको जोर की लगी होगी तो वो यहाँ पे हल्का हो जाएगा और फिर वो फ्लश करेगा। जब वो फ्लश करेगा ये नीचे का गेट खुल जाएगा और नीचे का गेट खुलने के बाद उसको समझेगा कि नीचे एक सीक्रेट रूम है। ओह माय गॉड! फिर वो यहाँ से नीचे जाएगा और देखेगा कि यहाँ पे किसी का तो घर है। वो चेस्ट के अंदर डायमंड ढूंढने की कोशिश करेगा लेकिन उसको कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम गरीब है तो चेस्ट के अंदर उसको कुछ नहीं मिलेगा। फिर वो ये साइड देखेगा और उसको दिखेंगे बहुत सारी किताबें, तो वो बोलेगा ठीक है ठीक है, किसी का तो होगा सीक्रेट घर, अपने को क्या है, अपना हक के हो गया तो चले। ऐसा बोल के वो चला जाएगा। देखा मेरा दिमाग कितना मस्त है ना गाइस, मैं तो बोल रहा हूँ म्यूजियम में रखना चाहिए। तो ये है मेरा सीक्रेट हाउस, अभी इसको और सीक्रेट बनाते हैं। हमें इसके पीछे एक कमरा बनाना पड़ेगा, तो मुझे वापस एक बार यहाँ पे स्टिकी पिस्टन लगाना पड़ेगा। आई थिंक दीवार के अंदर लगाते हैं ताकि वो दिखे ना। फिर इसके ऊपर बुक शेल्फ और इसको बंद कर देते हैं। हम लोग इसका बटन कहाँ पे लगाए? अगर वो बंदा अंदर आएगा और उसको बटन मिल गया तो फिर फायदा ही नहीं ना कुछ। ऐसा कुछ चलता है क्या? मैं पहली बार ट्राई कर रहा हूँ। म्यूजिक डिस्क और जूक बॉक्स अगर हमने लिया, एक रेडस्टोन लिया, और अगर ऐसे मैंने स्टिकी पिस्टन को कोई किसी को तो मार रहा है। एक मिनट, ये तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन अत्याचार को हमें रोकना पड़ेगा। कौन है? Who's it? अरे बापरे, कौन मार रहा है आपको? अच्छा ये मार रहा है, मार, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मारो मस्त। और जोर से मार। लामा इसके ऊपर थूकता क्यों नहीं है? लामा थूक उसके ऊपर। लामा थूकता ही नहीं उसके ऊपर, मेरे ऊपर थूकता है लामा, लेकिन उसके ऊपर नहीं। थूकना भी। सर आपने एकदम अच्छी चीज की आज, आपको मेरा सल्यूट है। ये होता है ना, वो आता है ना नीले कलर का, एक नंबर का फ्रॉड इंसान है, मेरे को चार डायमंड के लिए एक पाव का टुकड़ा देता है। यू डिड वेरी गुड सर, आई एम प्राउड ऑफ यू, अभी मर जाओ। अगर मैंने इसके अंदर डिस्क डाली तो ये चलता नहीं है, मुझे लगा उसके अंदर सीडी डालने से ये चलेगा, लेकिन ये नहीं चल रहा। फायर से हम लोग कुछ कर सकते हैं क्या? यहाँ पे हम लोग पत्थर रख देते हैं, अभी इन दो पत्थर के बीच में मैं आग लगाता हूँ। ओके, क्या मैं इस आग के बीच में से लीवर को दबा सकता हूँ? नाइस, फुल सीक्रेट बन चुका है, पर मुझे एक फीलिंग आ रही कि आग बुझने वाली है, क्योंकि हमने आग पत्थर पे लगाई है। ऐसा होता अगर हमने मैग्मा ब्लॉक यूज किया तो इसके ऊपर आग लगा देते हैं। आई डोंट थिंक अभी आग बुझेगी। प्लीज आग, यू हैव टू कीप माय इज्जत। आग, आग बुझ मत, आग बुझ मत, आग बुझ मत। पूरे घर को आग लग रही है, ये चुप, ऐसा नहीं करने का, मेहनत से बनाया मैंने, और भी आवाज आ रहा है मुझे, और कहाँ पे लगी है? बाहर भी लगी आग, पूरा घर जल गया। ए, ऐसे नहीं करते यार, ये आइडिया बहुत बुरा था, दूसरा कुछ तो सोच। अरे बाहर नहीं आनी, रुको, अरे अंदर रहो ना। शी यार, ये भी प्लान फ्लॉप था। मैं क्या कर रहा था मालूम है? मैं ऐसे कोमड़ियों से पूरा रूम भरने वाला था ताकि किसी को बटन दिखे ना, पर ये आईडिया भी फ्लॉप है। अरे आवाज करना बंद करो यार तुम लोग, यार बहुत आवाज कर रहे हैं लोग ना। आवाज नहीं करने का, मैं पहले तुम लोग को मारने भी नहीं वाला था, मुझे लगा कि ये लोग मेरे साथ रह सकते हैं यहाँ पे, लेकिन बहुत आवाज कर रहे हैं। मर गए सब, कूल। तू आखिरी बाकी है, आखिरी कोमड़ी, क्या मैं तुझे छोड़ूंगा, क्या मैं तुझे मारूंगा, बोल बोल कुमड़ी। तो मैंने सारी जगह पे पत्थर लगा दिया है, अब मैं इस मैग्मा के ऊपर जब आग लगाऊंगा तब ये आग वैसी रहेगी। तो जब एक नॉर्मल इंसान यहाँ पे नीचे आएगा वो देखेगा कि यहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, फिर वो राइट को देखेगा और वहाँ पे उसको आग दिखेगी, लेकिन वो आग के पास जाएगा नहीं।
किसी को भी आग से खेलना नहीं होता तो वो आग के पास जाएगा नहीं, और आग के पीछे होगा मेरा सीक्रेट बटन, जिसको दबाने से ठंटना मेरा सीक्रेट कमरा खुल जाएगा। अभी इस कमरे में हमें जो चाहिए वो हम रख सकते हैं, और किसी को भी कुछ डाउट नहीं होगा। सब कीमती सामान यहाँ पे रखने का, ये बटन दबाने का, ठंटन। फिर हम लोग ऊपर जाएंगे, यहाँ से बाहर जाएंगे, वापस एक बार फ्लश खींचेंगे, और हमारा सीक्रेट सुलभ चौचाले और हमारा सीक्रेट सुलभ चौचाले क्यों बोल रहा हो और हमारा सीक्रेट सुलभ चौचाले मत बोल और हमारा सीक्रेट सुलभ चौचाले मत बोल और हमारा सीक्रेट सुलभ शौचालय तैयार हो चुका है। सुलभ शौचालय, नाइस। आई एम सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ। क्या क्या बनाता हूँ ना मैं माइनक्राफ्ट में। तो आज के लिए बस इतना ही। अभी मैं 2 घंटे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी मैं भी जरा जाके आता हूँ। लेकिन तुम लोग कहीं पे जाना मत, वीडियो को लाइक करना बाकी है तो वीडियो को लाइक कर देना। अगर ऐसे और सीक्रेट संडास देखने होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मेरे डिस्कॉर्ड पे आना भूलना मत, मस्त टाइम पास होता है वहाँ पे, प्लीज आ जाना। और मैं मिलता हूँ तुम लोगों से अगली वीडियो में, तब तक।